आदिशी मेरे जेठ वो रखते हैं बहू थी, क्या कहें। हाँ, तो वो कब यहाँ पे उनका कब शादी हुई? और 2005 में शादी हुई थी। हाँ, जनवरी में बनारस के ये बच्चों पर है सनबीम मिस, एक फार्म हाउस है सनबीम का, उसी में शादी हुई थी उनकी। शादी के बाद बनारस रही कुछ दिन, उसके बाद दिल्ली गई। दिल्ली से एक आध साल दिल्ली रही, 1 साल, हाँ 1 साल 2 साल रही दिल्ली, दोनों लोग रहे वहाँ। फिर वहाँ से भोपाल गए, भोपाल में जाके अपना कुछ जमीन उमीन लिए थे, मकानों का, वहाँ एनजीओ चला रहे थे, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको कपड़े बांटना, शिक्षा का उनके ध्यान रखना, पानी वो सब कैसा मिल रहा है बच्चों को, क्या हो रहा है कुछ, अपना खेती बाड़ी भी लोग करते थे अपना, उससे जैविक खेती कुछ करके अपना काम चला, वैसे ही होता था वहाँ। अच्छा, ये जो घर है जहाँ आप लोग ये रहते हैं, घर है, ये ससुराल है उनका, मेन ससुराल यही घर यही है, अच्छा आना जाना वहीं उनका था, तो आना उनका जाना। स्वभाव स्वभाव खाना कैसे? बहुत अच्छा था, सबके साथ मिलके अच्छे से रहती थी, सारा परिवार एक साथ होता था, जब आती थी तो सब लोग इकट्ठे होते थे मिलने के लिए, सब एक साथ। अच्छा नेचर वाला नेचर, क्या शुरू से उनको राजनीति का इस तरह का शौक था या कैसे? शुरू से उनको शौक था सबके साथ, मतलब मिलके रहना है या गरीबों की सेवा करना है, ये उनका देश सेवा का, दोनों लोगों का यही उद्देश्य था यही, इसीलिए इतना पढ़ने के बाद भी ये लोग इसी में रह गए, कभी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिए, ऐसे ही रहते रहे सब लोग। अच्छा क्या बोलते थे अभी से, अगर जैसे आप लोग बात करती थी तो उनके नेचर की अगर हम बात करें तो बहुत स्वभाव, आप लोग अच्छा से है, क्या बात उनसे होती थी, वो जैसे अगर कुछ आप कहती थी कि आप लोग भी करिए या वापस की बातें है, परिवार में परिवार के साथ एक साथ हम लोग सब लोग बैठ के बात करते थे, ऐसे जैसे रहते थे एक साथ, खाना पीना रहना सब, अब मकान एक ही उस जगह, एक जगह हम लोगों का रहना है तो एक ही साथ रहते थे ऐसे। उनका आना अच्छा कब उनका आना बंद हुआ, कैसे मतलब वो कब? हाँ बंद हुआ इधर जब वो विधायक बने, उसके बाद से वो राजनीति के क्षेत्र में चली गई, और ये प्रवीण जी जो थे ये अपना एनजीओ कर लिए, ये बाहरी चमक धमक से इनको कोई मतलब नहीं था, हाँ ये थोड़ा बस ऐसे ही है। परिवार में अब बड़े लोगों के बाद, इन लोगों के बाद वही एक परिवार को संगठित करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सोच ऐसी है कि सबको एक साथ रहने का। अच्छा अतिथि को क्या शुभकामनाएं देंगी, क्या बोलेंगी? अच्छा अच्छा है बेटा, वो अपने परिवार में अपने बच्चे अपनी बहू अगर जो हैं आगे बढ़े, अच्छे से निकले, उनका देश के प्रति, दिल्ली के प्रति उनकी जो भावना है उसको आगे बढ़ाएं, अपने से सबकी सेवा, सबका वो विकास जो करना चाहती है करें अच्छे से सबके साथ। मेरी शुभकामना है उनके लिए कि और आगे बढ़े। ठीक है।